पंजाब दे जिला फिरोजपुर दे पिंड तलवंडी पंगेरिया पुलिस नाके उत्ते गैंगस्टर गुरप्यार सिंह नूं रोकण दी कोशिश कीती गई तां गुरप्यार ने पुलिस उत्ते फायरिंग कीती तां पुलिस वल्लों जवाबी फायरिंग विच गोली लगण नाल गुरप्यार सिंह जख्मी हो गया। जख्मी गैंगस्टर नूं जीरा दे सिविल हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। फिरोजपुर DIG रणजीत सिंह ढिल्लो ने दस्सिया कि गैंगस्टर अर्श डल्ला दा साथी गुरप्यार सिंह फिरोजपुर विच कई वड्डियां वारदातां नूं अंजाम देण लई रैकी करदा सी अते पिछले दिनी तलवंडी दे वसनीक चौहान ज्यूलर तों फिरौती दी मंग कीती सी अते जदों उसने फिरौती देण तों ना कर दित्ती तां इन्हां ने उसदे घर उत्ते फायरिंग कीती अते उत्थों फरार हो गए अते उसदे नाल दा साथी सवेरे 7 बजे दे करीब इस इलाके विच रैकी कर रहा सी जिस बारे पुलिस नूं सूचना मिली सी अते पुलिस ने नाका लगा के इस नूं रोकण दी कोशिश कीती तां इन्हां ने पुलिस ते अते लोकां ते फायरिंग करके उत्थों भज्जण लगे तां पुलिस ने भी इन्हां ते फायरिंग कीती जिस नाल इह जख्मी हो गया जिस नूं जीरा दे सिविल हस्पताल विखे भर्ती करवाया गया। पुलिस इस मामले बारे जांच कर रही है। कल शाम तलवंडी भाई SHO इत्थों दी पुलिस ते CIA स्टाफ जीरा पुलिस पार्टी ने नाका लाया सी रात दा ही। सवेरे एक व्यक्ति उन्हें आके मोटरसाइकिल ते आ रहा सी उन्हूं मोटरसाइकिल रोकने की बजाय उन्हें पुलिस पार्टी जिहड़ी खड़ी सी अपनी चैकिंग कराने की बजाय वो ते उन्हें फायरिंग की जवाबी फायरिंग दे विच साडी पुलिस पार्टी ने आपदा बचाव करते हुए वो ते फायरिंग की फायरिंग करके उहदे पैर दे विच गोली लगी है ते उन्हूं काबू किया उदों 38 बोर रिवॉल्वर एक समेत उन्हूं उत्थों काबू किया। काबू करन ते उहदी पुछगिछ करन ते ये पता लग्या ये अज पिछले कुछ समय तो चौहान जेलर तलवंडी भाई आ उन्हां तों फरौती मंगी सीगी अर्श डल्ले ते पीते ने ये उन्हां दे आखे होए इत्थे रैकी करन आया सी। अज फिर ये रैकी करके इन्हां ने अगली उस वारदात नूं अंजाम देना सी। ये अर्श डल्ले दे कहण ते ये ते इहदे दो होर साथी ने उह जिहड़े संदीप सिंह आ ते इक होर आ उह इस इलाके दे विच आम जिहड़े व्यापारी ने जां होर आ उन्हां तों फरौतियां दी मंग करके उन्हां नूं फायर करके डराउण दी नीयत नाल फरौतियां लैण दे परपज़ नाल इह सारी कारवाई करदे ने। फिरोजपुर पुलिस दे तलवंडी भाई थाणा CIA स्टाफ सारे अफसरां ने ते SHO साहिबान ने बहुत वधिया इह कारगुजारी दा अज प्रगटावा कीता उहनूं काबू कीता इहदे नाल जिहड़ी अगली जिहड़ी उहदे खिलाफ केस रजिस्टर कर दित्ता गया ते अगली पुछगिछ दौरान जो जो गल्लां अगे सामने आउणगीआं। रैकी चौहान ज्वैलर्स ते पिछले 12 नवंबर नूं फायरिंग करके गए सी 3 बंदे कंध टप के उन्हां ने अंदर वड़ के उन्हां दी फायरिंग कीती सी क्योंकि उन्हां तों उन्हां ने पहलां फरौती दी मंग कीती सी अर्श डल्ले ते पीते भंगाले ने उह उन्हां ने फरौती देण तों गुरेज़ कीता सी। गुरेज़ करन दे तों फिर उन्हां ने कहा भी इहनूं डरा के आओ इहते फायरिंग करके आओ भी फिर ये फरौती दें। कल फायरिंग करने मूड च सी कल जिहड़ा वैपन लैके आया सी कल दुबारा फिर उत्थे इन्हें आके रैकी करनी सी रैकी करके हो सकता फायरिंग भी करनी सी वह पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस मुलाजम नहीं जख्मी नहीं होए पुलिस मुलाजम का नाका बड़ी उन्होंने मुस्तैदी नाल लाया हुआ सी अपने आप का बचाव उन्होंने किया तो इन गोली मार के पहले गोली चलाई सी ये मोटरसाइकिल से आए सी मोटरसाइकिल भी कब्जे च लिया। किन्ने जने हैगे सी सर मोटरसाइकिल ते इकल्ले ही जाना सी ये रैकी करन आया सी ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੂਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ। ਸਰ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਰਹੱਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਜਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਹੇਅਰ
क्योंकि वैपन लैके इन्हें अर्श डले तो उन्होंने आखे से एक दो होर किलिंगा करने की भी यदि मंशा हैगी सी वह मंशा भी नाकाम हुई आ, यह भी फड़िया गया, तो जेड़े जो बाकी के मैंबर आ जोड़े वह भी काबू हुए।